गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी रीड चैप्टर टू, चैप्टर नेम व्याकरणम इन संस्कृत। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक दिया है हमें स्वर। स्वरों के दो भेद, स्वर के दो भेद होते हैं, फर्स्ट सामान्य स्वर, सेकंड संध्याक्षर या मिश्रित स्वर। सेकंड नंबर को हम संध्याक्षर भी बोल सकते हैं या फिर हम मिश्रित स्वर भी बोल सकते हैं। सामान्य स्वर के पुनः दो भेद। अब देखो स्वर के कितने भेद होते हैं, दो, जिसमें फर्स्ट नंबर है सामान्य स्वर, इसके भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट ह्रस्व स्वर एंड सेकंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में देखते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं, ए, ई, उ, री, ल। दीर्घ स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं, आ, ई, उ, री। मिश्रित स्वर, ए, ए, ओ, औ। हर्ष स्वर में ये शब्द आते हैं, दीर्घ में ये शब्द आते हैं और मिश्रित स्वर में ये शब्द आते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हमें व्यंजन। व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, व्यंजनों के तीन भेद, फर्स्ट स्पर्श, सेकंड अंतस्थ और थर्ड उष्म। क वर्ग, अब देखो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व। उष्म वर्ण, स, श, स, ह। तो ये हमारे वर्ण हैं, जो कुछ वर्ण दिए गए हैं, किस वर्ग में कौन सा वर्ण आता है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख के किसी न किसी अवयव या भाग से टकराती है, यानी कि जब भी हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो जो हमारी श्वास है वायु, वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से, जैसे कि हमारे तालू से, जीभ से, कंठ से अवश्य टकराती है। उस अवयव या भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि हमने कै बोला, तो कै कहाँ से टकराया, कंठ से। जब हम बोलते हैं हमारे गले से टकराता है, कंठ से टकराता है, तो कै कहीं का किस भाग से टकराता है, कंठ से। तो कै का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। मुख के भाग है, अब देखो मुख के कौन कौन से भाग होते हैं, कंठ अभी बताया मैंने आपको, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। इन्हीं के आधार पर वर्णों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अब देखो कौन से वर्ण किस भाग से बोले जाते हैं, स्थान, नाम और वर्ण। कंठ, कंठ स्थान और नाम है कंठव्य। वर्ण कौन कौन से आते हैं कंठ से, ए, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग। तो ये सब हमारे कंठ से आते हैं। फिर दिया है मैं तालु, तालव्य से, ई, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श। मूर्धा, मूर्धन्य, री, टै, ठ, ड, ढ, ण, र, व। दंत, दंतव्य, ल, त, थ, द, ध, न, ल, र। दोनों ओष्ठ, ओष्ठव्य, दोनों होठों से, उ, उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका, अनुनासिक, ड, अण, अण, न, म, सॉरी, अय। कंठ तालु, कंठ तालव्य से, ए, ऐ। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठव्य से, ओ, औ।
दंतोष्ट दंतोष्टव्य व्य। तो ये शब्द है, ये कुछ वर्ण दिए गए हैं और इनका स्थान और नाम दिए गए हैं। आज आप संस्कृत में पार्ट 2 के चैप्टर के यहाँ तक रीडिंग करेंगे।